सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक की। ये बुक स्टोरी फॉर्म में लिखी गई है। इसमें कुछ कहानियां हैं, जिसमें से एक कहानी है अर्कर नाम के इंसान की, जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। उससे कुछ लोग उसकी अमीरी का सीक्रेट पूछते हैं, तो वो कुछ चीजें बताता है, और जो वो उन्हें बताता है वही बातों को मैंने 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है। तो चलिए डायरेक्ट आते हैं उन 4 स्टेप्स पर। नंबर 1, सबसे पहले खुद को पे करो। जो भी आप कमा रहे हो उसका 10% खुद को पे करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर महीने खुद के लिए नए कपड़े, नए जूते या फिर नया मोबाइल ले लो और कहो कि मैं खुद को पे कर रहा हूँ। खुद को पे करने का मतलब है अपनी कमाई का 10% सेविंग्स में डालो। कई लोग कहते हैं कि यह बहुत मुश्किल है, हम कैसे करेंगे, इतना तो बचता ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। ज्यादातर लोग पार्किंसंस लॉ का शिकार है, जो कहता है हमारी कमाई के हिसाब से हमारे एक्सपेंसेस मैच हो जाते हैं। जब कोई इंसान 10,000 रुपये कमाता है तो उसके एक्सपेंसेस उतने ही होते हैं और उसमें उसका घर चल जाता है, लेकिन जब वो 20,000 कमाता है तब भी उसे वो 20,000 कम पड़ते हैं। ये है पार्किंसंस लॉ। अगर आप 10% सेव नहीं कर सकते हो तो एक सिचुएशन इमेजिन करो। मान लो कि आप एक जगह जॉब करते हो और आपकी सैलरी 20,000 है। एक दिन आपका बॉस आपसे कहता है कि बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा है तो मैं 20,000 नहीं दे सकता, तो मैं अब से 18,000 ही दे पाऊंगा। ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर लोग मैनेज कर लेंगे कि चलो यार 18,000 में ही काम चला लेंगे, लेकिन सेविंग की बात आती है तो वो हमसे नहीं होगा। तो अगर आपने 10% सेव करना शुरू कर दिया है तो अब आती है सेकंड स्टेप। आपको आपकी सेविंग को आराम नहीं करने देना है, उसे भी काम कराना है। सिर्फ सेव करके कोई भी अमीर नहीं बन सकता है, आपको आपकी सेविंग से मेहनत करानी होगी, यानी कि उसे इन्वेस्ट करना होगा। रिच डैड पुअर डैड बुक में रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है, यानी कि उनका पैसा उनके लिए और पैसा बना कर देता है। तो आपको आपका पैसा इन्वेस्ट करना होगा ताकि वो पैसा आपको और पैसा कमा कर दे, और इस इन्वेस्टमेंट से जो आपको प्रॉफिट मिलेगा उसे भी आपको नए इन्वेस्टमेंट में डालना होगा। ऐसा करने से कुछ सालों में आपके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स होंगे और आपको सब तरफ से पैसा आ रहा होगा। अब आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है, ये किसी YouTube वीडियो को देख के डिसाइड ना करें, बल्कि इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट से एडवाइस लें। स्टेप 3, हाई प्रॉफिट के लालच में बहुत ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट मत करो। हाई रिस्क एंड हाई प्रॉफिट के पीछे मत भागो। जैसे जिम में जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में ज़्यादा हैवी वेट उठाओगे तो उससे आपके मसल डैमेज हो सकते हैं, सिमिलरली हाई प्रॉफिट्स के पीछे भागोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डैमेज हो सकता है और आप फाइनेंशियल परेशानी में पड़ सकते हो। इसीलिए हाई रिस्क एंड हाई प्रॉफिट वाले इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करो। एंड देखिए, आपको इन्वेस्टमेंट सीखना ही होगा, थोड़ी स्मार्टनेस दिखानी होगी। जो लोग पहले से ही इन्वेस्ट कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, आप उनसे इन्वेस्टमेंट सीख सकते हो, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बुक पढ़ सकते हो। स्टेप नंबर 4, इनकम के कई सोर्सेस बनाओ। जिस तरह से आपको कभी भी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, सिंगल इनकम पर डिपेंड होना बहुत ही रिस्की है, उसी तरह सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत रिस्की है। अगर आप सारा पैसा एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट कर दोगे, अगर वो सेक्टर डाउन हो जाता है तो ये भी आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम में डाल देगा। इसीलिए जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो, सब एक ही जगह में इन्वेस्ट मत करो, अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करो। इससे होगा ये, अगर उनमें से एक सेक्टर क्रैश होता भी है तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के कई ऑप्शंस हैं, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स और बिजनेसेस। ये 4 स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे तो कुछ साल बाद आपके पास कई इन्वेस्टमेंट्स होंगे, जिनके ज़रिए आपको मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम आ रही होगी, और फिर आपको शायद उस टाइम जॉब की ज़रूरत भी ना पड़े। इसे समराइज करें तो स्टेप नंबर 1, जो भी आप कमा रहे हो उसका 10% सेव करो। स्टेप नंबर 2, जो भी आप सेव कर रहे हो उस सेविंग को आराम मत करने दो, उस सेविंग को काम पे लगाओ, यानी कि उसे इन्वेस्ट करो। स्टेप नंबर 3, हाई प्रॉफिट के लालच में ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स मत करो। स्टेप नंबर 4, किसी एक बिजनेस या फिर एक सेक्टर में इन्वेस्ट मत करो, बल्कि अलग अलग जगह इन्वेस्ट करो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।